हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स हो रहा है, और ये इवेंट सालाना एक बार होता है, आई थिंक साल में दो बार होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स पढ़ाई से हट के भी थोड़ा माहौल में सब बिहार ही गए। तो आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट की थी? जी क्रिकेट, क्रिकेट में की थी। हमें लड़कियाँ बिल्कुल पर्दे के अंदर रहकर खेल रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जहाँ पे फूड का और हर तरह के इंटरटेनमेंट करना चाहिए और पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग चैंपियन बनने की मतलब पोजीशन में है कि नहीं है? इंशाल्लाह। अच्छा, तो कितने मैच आप तक आप लोग विन कर चुके क्रिकेट फुटबॉल वगैरह में? दो तीन चार। अस्सलाम वालेकुम, मैं नजमुद्दीन नायर, इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी स्पोर्ट वीक का इनेकाद हो चुका है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB True News HD चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचे। हमारे साथ अभी यहाँ पर एक फीमेल स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि सपोर्ट के हवाले से इनका क्या ओपिनियन है। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? सिदीका। और डिपार्टमेंट कौन सा आपका? CS का। तो अभी आप अपने CS वालों का सपोर्ट कर रहे हैं? जी हम CS वालों को सपोर्ट कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो अभी वॉलीबॉल हो रहे हैं वो आप लोग मैच विन कर जाएंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर। और अब तक शायद आप फीमेल के भी अभी सपोर्ट हुए होंगे मुख्तलिफ किस्म के, तो उसमें अब तक आप लोगों ने कितने मैच विन कर चुके हैं? अभी तक एक भी नहीं किया हमने, सब हार ही गए। तो आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट की थी? जी क्रिकेट, क्रिकेट में की थी मैंने पार्टिसिपेट। अच्छा, तो आप मुझे बता दें कि अभी सपोर्ट हो रहे हैं इसके हवाले से आपको क्या ओपिनियन, क्या स्टडी के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी स्टडी के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाए। अभी स्टडीज मुसलसल चलती रहेगी ना तो फिर हमारे माइंड ही वो हम ऐसे अजीब से हो जाएंगे। अभी अगर बीच में अगर ऐसा कोई गेम वगैरह होगा तो हम फ्रेश हो जाएंगे ना, तो ऐसे एक्टिविटीज़ में भी होना चाहिए। मेरा नाम समीना अली है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। हर साल की तरह इस साल भी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स गाला 2020 का इनेकाद किया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया है और बहुत ही रंगारंग तकरीब का यहाँ पे इनेकाद किया गया है। यहाँ पे मेल स्टूडेंट के अलावा फीमेल स्टूडेंट के लिए भी स्पोर्ट्स के लिए अलग से ग्राउंड दी गई है, जिसमें लड़कियाँ बिल्कुल पर्दे के अंदर रहकर खेल रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर फूड का और हर तरह के इंटरटेनमेंट का इंतज़ाम किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा अमल है। पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। और मैं जो है ना BA जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ, और हमारी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स वीक हो रहा है, और स्पोर्ट्स और गेम्स सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटल भी और फिज़िकल फिटनेस के लिए भी। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स हो रहा है, और ये इवेंट सालाना एक बार होता है, आई थिंक साल में दो बार होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स पढ़ाई से हट के भी थोड़ा माहौल में एडजस्ट हो सके और गेम्स के ज़रिए जो है ना उनका जिस्म फिटनेस भी जो है ना बरकरार रह सके। फातिमा सुगरा। कौन सी डिपार्टमेंट आप सपोर्ट करें? CS कंप्यूटर साइंस। अच्छा, तो आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट की थी? जी किया था लेकिन हार गई। सारे मैच हार गई? टक ऑफ वॉर में किया था लेकिन उसमें हार गई। तो अभी आप इस वक्त किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम CS वाले डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं ना। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में इस तरह की एक्टिविटीज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बहुत अच्छा है, मज़ा भी आ रहा है, हमें हिस्सा भी लेना चाहिए और पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग चैंपियन बनने की मतलब पोजीशन में है कि नहीं है? है इंशाल्लाह। अच्छा, तो कितने मैच आप तक आप लोग विन कर चुके क्रिकेट फुटबॉल वगैरह में? दो तीन शायद। ओके, थैंक यू।